नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं PF के ऊपर। अगर आपका भी PF का पैसा नहीं निकल रहा है, UN नंबर इज नॉट एक्टिव बता रहा है, तो आप उसे अपने मोबाइल के माध्यम से आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सिर्फ आपके पास UN नंबर होना चाहिए, यानी PF नंबर। जो आपका PF कट रहा है, जिस नंबर पे आपको मैसेज मिलता होगा प्रत्येक महीने, उसी PF नंबर के माध्यम से आप पैसे को निकाल सकते हैं। और पैसे निकालने के लिए अब जब जाते हैं या फिर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं, तो UN नंबर इज नॉट एक्टिव बताता है। पासवर्ड फॉरगेट करने का प्रयास करते हैं तो आपको UN नंबर इज नॉट एक्टिव बताता है। तो आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में आना है और क्रोम ब्राउजर में 3 डॉट पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप मोड को ओपन करेंगे मोबाइल में, अगर आप पीसी के माध्यम से कर रहे हैं तो आसानी से क्रोम ब्राउजर के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है PF लॉगिन। जैसे आप PF लॉगिन करके सर्च करेंगे तो आपको PF का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएंगी। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो देख सकते हैं ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। आपके पास UN नंबर और पासवर्ड अवेलेबल है तो UN नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और उसके नीचे में पासवर्ड फिल करेंगे और फिर कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ UN नंबर है तो यहाँ पे आप फॉरगेट पे क्लिक करके UN नंबर को फॉरगेट करके पासवर्ड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉरगेट कीजिए फॉरगेट पे, और आप UN नंबर डाल करके पासवर्ड को फॉरगेट करने का प्रयास कीजिए। अगर आप फॉरगेट करते हैं और फॉरगेट करते समय आपको UN नंबर इज नॉट एक्टिव बता रहा है, तो आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी के ऊपर में पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। तो चलिए, अब यहाँ पे नॉट एक्टिव बता रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पीछे आ जाना है। और पीछे आप जैसे आएंगे तो आपको क्या करना है, देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इम्पॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक्टिव UN नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास UN नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे, उसके नीचे में जस्ट देख सकते हैं नाउ और UN नंबर पे क्लिक करके आप UN नंबर को पता कर सकते हैं कि आपका UN नंबर क्या है। अगर आपका UN नंबर नहीं पता है आपको तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इस पर आने वाले समय में हम वीडियो बनाने वाले हैं, और अभी हम UN नंबर को एक्टिव करना है किस तरह से, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक्टिव UN पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले UN नंबर या फिर मेंबर आईडी, एक मेंबर आईडी होता है और UN नंबर होता है। UN नंबर आपके पास है तो UN नंबर फिल करेंगे, अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो मेंबर आईडी पे क्लिक करके मेंबर आईडी फिल कर सकते हैं। जो ये हमारा कस्टमर है, इस कस्टमर का हमारे पास UN नंबर अवेलेबल है तो UN नंबर हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। और इसके बाद जो आपका आधार नंबर है, वो आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। जो भी नाम है वो नाम को यहाँ पे फिल करना है, स्पेलिंग को मिस नहीं करना है। अगर आप स्पेलिंग को मिस करेंगे तो आपको जो भी UN नंबर है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको जो आधार कार्ड में है वही आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यहाँ पे फिल करना है। और इसके बाद मोबाइल नंबर, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी को आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आप कैप्चा को फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे आप गेट ऑथेंटिकेशन पिन पे क्लिक करेंगे, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP मिलेगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना होगा। और जैसे यहाँ पे आप फिल करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट OTP एंड एक्टिव UN, उसके बाद इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगले पेज में आपके सामने दिखाई दे रहा है और UN हैज बीन एक्टिव सक्सेसफुली एंड द डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेंड टू और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आपका पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं पासवर्ड को, सक्सेसफुली आप लॉगिन कर पाएंगे आप आगे। तो हम होम बटन पे क्लिक करते हैं और फिर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं कि लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसे लॉगिन कर सकते हैं आसानी से। चलिए फटाफट लॉगिन करते हैं। ये हमारा जो UN नंबर था इनएक्टिव था, वो हमारा एक्टिव हो चुका है और पासवर्ड भी हमने फॉरगेट कर लिए हैं। अब आगे हमें लॉगिन करने का ऑप्शन मिल रहा है तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, क्योंकि हमारा पासवर्ड भी हमारे पास आ चुका है और हमारे पास जो भी UN नंबर इनएक्टिव था वो एक्टिव हो चुका है।
तो चलिए फटाफट लॉगिन करते हैं। से हम यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं और होम पेज पे यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड को फिल करेंगे और फिर कैप्चा को फिल करेंगे और साइन इन पे यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पेज डायरेक्ट करेंगे वो दूसरे पेज पर आ जाएंगे। आप साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी, आपको यहाँ पे फिल करना होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा, तो आप उसे यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद फिर नीचे में कैप्चा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप कैप्चे को फिल करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो भी यूएन नंबर है, जो पीएफ आईडी है, वो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और फिर ओटीपी फिल करके हम सबमिट करते हैं। ये जो प्रोसेस था वो इनएक्टिव जो भी हमारा यूएन नंबर था उसे एक्टिव करने का था, और आने वाले जो वीडियो में होगा वो आप किस तरह से इसका बैलेंस चेक कर सकते हैं, किस तरह से इसका क्लाइम कर सकते हैं और पीएफ का पैसे निकाल सकते हैं, आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी का पार्ट टू में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय, फिर मिलते हैं पार्ट टू में।